जयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भेजी गई है जो जयपुर में हालातों की समीक्षा कर रही है। इस दौरान सेंट्रल टीम ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की, जिसमें सीएम ने सेंट्रल टीम को प्रदेश में कोरोना से उत्पन्न हुई स्थिति से अवगत करवाया। वीसी में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी मौजूद रहे। आज भारत सरकार से जो 5 अधिकारियों का दल राजस्थान में 4-5 दिन के लिए आया है राज्य की मदद के लिए, उनसे भी मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को उन्होंने उस टीम के सामने रखा। कल गृह मंत्री जी से भी मुख्यमंत्री जी ने बात की थी। माइग्रेंट लेबर जो कि आज बहुत परेशानी के दौर में हैं, और जो हमारा राजस्थान का प्रवासी राजस्थानी जो देश के अलग अलग राज्यों में आज फंसा पड़ा है और अपने घर आना चाहता है, अपने गांव आना चाहता है, अपने प्रदेश में आना चाहता है, और वो मानसिक अवसाद की स्थिति में पहुंच चुका है, ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जिसका बराबर मुख्यमंत्री जी हर रोज मीडिया के जरिए भी इस मामले को उठा रहे हैं कि भारत सरकार को ये अनुमति देनी चाहिए कि वो लोग एक बार अपने अपने घरों पर चले जाए तो उनको तसल्ली आएगी, क्योंकि पता नहीं कितनी लंबी चलेगी ये बीमारी, कब कंट्रोल होगी कब नहीं होगी। अभी 3 मई तक तो लॉकडाउन है ही है, आगे क्या स्थिति रहती है इसका अंदाजा भी किसी को नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को माइग्रेंट लेबर्स की जो प्रॉब्लम है उसको, वास्तव में गंभीर है वो समस्या, उसको एड्रेस करना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। उसके अलावा जो उन्होंने 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो प्रधानमंत्री जी के साथ हुई उसका भी जिक्र करते हुए आर्थिक पैकेज राज्यों को देने की बात की है। पहले उन्होंने 1 लाख करोड़ की राज्यों को आर्थिक पैकेज की बात की थी, लेकिन अब परिस्थितियां और बदल गई है, समय भी काफी निकल गया है, तो उस पैकेज को और बढ़ा के दिए जाने की बात की उन्होंने राज्यों को। उसके अलावा ये जो जितनी भी इक्विपमेंट है, चाहे वेंटिलेटर है, चाहे आपका पीपीई किट है, चाहे ये जो टेस्टिंग किट्स है, इनका सेंट्रल सिस्टम रखें परचेज का, ताकि राज्यों की आवश्यकता के अनुसार भारत सरकार इनको भेज सके।